अब देखिए आपको विस्तार से और जानकारी हम देते हैं। जो आतंकी हमला मॉस्को में हुआ है उसके बाद क्या स्थिति है, देखिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। रूस ने कहा है, रूस ने मांग की है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए, अमेरिका इनपुट शेयर करे। ये भी रूस ने कहा है कि जो इनपुट आपके पास है वो हमसे साझा करें। अमेरिका हमले में यूक्रेन की भूमिका नहीं है, ये अमेरिका ने कहा। सीधे सीधे यूक्रेन को क्लीन चिट अमेरिका ने दी। अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया, इस बात का जिक्र भी अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा कि जो अलर्ट हमने रूस को पहले किया था, जो इनपुट हमने आपको दिए थे, उस पर गंभीरता से विचार आपने नहीं किया, उसके बाद ये अटैक हुआ। देखिए आतंकी हमले पर किसने क्या कहा है आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं, देखिए रूस ने क्या कहा है इस अटैक पर। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। रूस ने कहा कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, अगर इस पर किसी का हाथ सामने आता है तो उसको सबक सिखाएंगे। अमेरिका ने कहा अटैक से यूक्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है। यूक्रेन को क्लीन चिट देते हुए अमेरिका ने कहा कि इस पर जो अटैक मॉस्को में हुआ है उस पर कोई हाथ यूक्रेन का नहीं है। और यूक्रेन ने कहा कि हमले के पीछे हमारा हाथ नहीं है, हम इससे दूर हैं, हमारा हाथ इसमें नहीं है। यूक्रेन ने ये बात कही है। तीनों की बात आपने सुनी। और इसके अलावा देखिए आप, रूस में बड़े टेरर अटैक जो हुए हैं अक्टूबर 2002 से अगर आप देखते हैं तो मॉस्को के थिएटर में 800 लोगों को बंधक बनाया गया। 48 घंटे बाद 41 चेचन फाइटर वहां पर मारे गए, बंधक बनाए गए, 129 लोगों की मौत वहां पर हो गई। ये 2002 का मामला है। सितंबर 2004 में देखिए 30 चेचन फाइटर्स ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया और बेसलान के स्कूल में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। वहां पर 330 से ज्यादा की मौत वहां पर हुई और मरने वाले जो लोग थे उनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। साल 2011 मॉस्को के डोमोडेडोवो में एयरपोर्ट पर आत्मघाती अटैक हुआ और यहां पर 30 लोगों की मौत हो गई। जो अटैक एयरपोर्ट पर किया गया हुआ ये कि 30 लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए। साल 2013 में क्या हुआ, ये वोल्गोग्राद है जहां पर आत्मघाती हमला हुआ और वहां पर 34 लोगों की मौत की खबर। ये 2013 का वाक्य है जब यहां पर वोल्गोग्राद में आत्मघाती हमला किया गया, 34 लोगों की मौत यहां पर हुई। जब जब बड़े अटैक हुए हैं रूस पर, ये उसी की जानकारी है। साल 2013 में, साल 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में धमाका हुआ और 14 लोग वहां पर मारे गए। जो मेट्रो में धमाका हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में और उसमें 14 लोगों की जान गई, साल 2017 का ये पूरा मामला है। तो 2002 से लेकर के 2017 आते आते कब कब अटैक हुआ रूस पर और रूस ने उसके बाद क्या एक्शन लिया वो पूरी दुनिया ने देखा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।